हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का सीरीज, जिसमें कि लूसेंट के हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको किसी भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से आपको पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। रेडियो कार्बन C40 के पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सर्वमान तिथि माना गया है यही 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस सभ्यता को काश युगीन सभ्यता में भी रखा जा सकता है क्योंकि काश युगीन सभ्यता का भी तिथि है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, इसलिए काश युगीन काल में भी इसे रखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, इतना तथ्य इससे याद रखना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो यहाँ डी नंबर में यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, ग्रीक की सभ्यता। इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ग्रीक की सभ्यता समकालीन नहीं थी। बाकी के तीनों मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर बात करें पूर्व की ओर तो पूरब साइड में यूपी के आलमगीरपुर तक, पूर्व में पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, उत्तर में मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है तक इस पूरी एरिया में फैली हुई थी। यह नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के 6 बड़े नगर थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी नगर थी, इसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा, उसके बाद गनबारी बाला, उसके बाद धौलाबीरा, उसके बाद राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगल। ये 6 नगर बड़े नगर में आते थे और धौलाबीरा की बात की जाए तो धौलाबीरा भारत की सबसे बड़ी नगर थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसमें घोड़े के अवशेष मिले हैं ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है, तो यह गुजरात के कच्छ जिले में है, यहाँ से ही घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। इसकी खोज सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा किया गया था, कब किया गया था 1964 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है आमरी, आमरी से हमें 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है, क्या मिला है 12 सिंहा, और एक है रोपड़, रोपड़ से क्या साक्ष्य मिला है, तो रोपड़ से हमें मिला है कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण हमें रोपड़ से मिला है। आगे देखेंगे 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है, तो कालीबंगल है, कालीबंगा यानी तो भारत के राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है, यहाँ से साक्ष्य मिला है, यहाँ से एक दुर्ग किला मिला है और यह छोटा नगर था, क्या था कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ से एक दुर्ग मिला है, दुर्ग मीन्स किला मिला है यहाँ से एक।
आगे देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें किया गया था टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? तो टेराकोटा का मतलब होता है आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां, आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, टेराकोटा का मतलब होता है। यहाँ का जो मोहरे थी, हड़प्पा काल के जो मोहरी मिलती थी वह वर्गाकार होती थी और मोहरों में सर्वाधिक संख्या था एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी, एक श्रृंगी पशु की आकृति वाले सर्वाधिक मोहरे मिली थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की भी मूर्तियां मिलती थी। आगे देखेंगे 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती थी, कांस्य युग की थी क्योंकि कांस्य युग का भी तिथि थी 2350 से 1750, इसलिए कांस्य युगीन थी। आगे देखेंगे 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, और कृषि में भी सबसे प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। कहाँ से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। और कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था, और कपास को यूनानी लोग शिंडन के नाम से जानते थे। क्या जानते थे? शिंडन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यूनानी लोग कपास को किस नाम से जानते थे, तो वो होगा शिंडन के नाम से जानते थे। आगे देखेंगे 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे। इस तरह से इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। भारत में प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा ही शुरू किया गया था, और शहर होने का सबसे पहला शर्त होता है कि खेती में अधिक से अधिक उपज हो, तभी उस सभ्यता का विकास होगा और वह नगरीकृत होगी। इस तरह से इसका सही आंसर है 2 नंबर, शहरी। आगे देखेंगे 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से। इनके घर 2 तल्ले भी होते थे, मींस फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी बनाए जाते थे। इनके आंगन में एक कुआं होती थी, और इनकी जो सड़कें होती थी, सड़कें और नलिये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वर्गाकार या आयताकार होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे देखेंगे 11 नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, कपास। कपास की खेती प्रथम बार हड़प्पा वासी के लोग के द्वारा ही शुरू किया गया था। आगे देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। और यह कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है, और इनका खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था सर जॉन मार्शल के निर्देश पर, इसका उत्खनन शुरू किया गया था। आगे देखेंगे 13 नंबर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में है। और इसके अतिरिक्त और भी 1-2 बंदरगाह थे, जैसे कि देसपुर या सुरकोतड़ा। क्या था? सुरकोतड़ा भी हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह था। डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह सबसे बड़ी स्थल थी जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल थी मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखेंगे 14 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में।
ऑप्शन नंबर डी, यह खोज लोथल में हुई थी। सी ऑप्शन है चनहुद्रो, यह सिंधु प्रांत में, यह सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहुद्रो, और यहाँ से हमें लिपस्टिक का प्रमाण मिल रहा है एवं यहाँ से ही मन के और खिलौने उद्योग के महान केंद्र होने का प्रमाण मिला है, यानी कि चनहुद्रो में ही मन के और खिलौना उद्योग का महान केंद्र हुआ करता था। आगे देखेंगे 15 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, चार वर्गों में था जिसमें था शामिल विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या है सिंधु सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त नाम है। 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या है, यह मूर्ति का निर्माण करते थे लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर होने का साक्ष्य नहीं मिला है, मूर्ति बहुत होते थे लेकिन मंदिर नहीं होते थे, इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो अभी ये डिस्कस किए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इन लोग पशुपति का सम्मान करना आरंभ यहीं से किया गया था, हड़प्पा सभ्यता से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का खलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, बी नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला और नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार का, इस तरह से था त्रिभुजाकार का इसका आकार था, और इसका टोटल क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी सभ्यता थी और अभी के वर्तमान पाकिस्तान से भी बड़ा सभ्यता ये फैला हुआ था। आगे देखेंगे 23 नंबर, स्थल है और इधर नदियां हैं, तो हड़प्पा कौन सी नदी पे थी? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित थी, कोई भी स्थल का विकास नदियों के किनारे ही होती है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घगर नदी, इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। आगे देखेंगे 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खेत के साक्ष्य मिला है कालीबंगा, सी ऑप्शन, कालीबंगा से खेत का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से क्या क्या मिला है, जैसे कि हवन कुंड तथा बलि प्रथा, हवन कुंड तथा बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है, जोते हुए खेत यानी हल का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। आगे देखेंगे 25 नंबर, सैदव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। 26 नंबर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध के क्षेत्र में। 27 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, तो बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, यहाँ एक बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक था यहाँ के, जिसके अंदर में स्नान कुंड बनाया होता था और इसकी लंबाई 11.48 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं इसकी गहराई 2.43 मीटर होता था। आगे देखेंगे 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो इसमें चित्रांकन मिलता है आद्र शिव देवता का। आगे देखेंगे 29 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल, बंदरगाह नगर के नाम से भी जाना जाता है, लोथल गुजरात में था। आगे देखेंगे 30 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। 32 नंबर, सैदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस वस्तु, किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है बैल का, कुबड़ वाला बैल या साढ़ का चित्रांकन मुहरों पर भी सर्वाधिक मिली है, एवं एक श्रृंगी बैल का भी चित्र मिला है। इस तरह से सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है बैल का। आगे देखेंगे 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, इनकी नगर नियोजन की प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इसके लिए यह विख्यात है। आगे देखेंगे 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसमें भारत में स्थित है लोथल, इनमें से लोथल है जो गुजरात में है। आगे देखेंगे 35 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, सबसे पहला पुराना शहर था। आगे देखेंगे 36 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से ही, ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा संस्कृति। 37 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नंबर है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, यहाँ पास कृषि बहुत अच्छी थी तो जाहिर सी बात है व्यापार और वाणिज्य अच्छी होगी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 38 नंबर, सुमेलित करना है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। आगे देखेंगे 39 नंबर, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित था। 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। 41 नंबर, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है? या धौलाबीरा, धौलाबीरा से उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। आगे देखेंगे 42 नंबर, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। 43 नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये होगा आदि ऐतिहासिक काल, डी नंबर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा डी नंबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, यहाँ हर एक मकान में आंगन और एक स्नानागार जरूर होता था। आगे देखेंगे 45 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आगे देखेंगे 46 नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या है? 46 का सी नंबर सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, और यह सौराष्ट्र थी जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र थी। आगे देखेंगे 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई
के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के देखरेख में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। 48 नंबर, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ते मोहर पे मिला है बैल, बैल की आकृति मिली है जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध का पता चलता है। 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। आगे देखेंगे 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु सभ्यता समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। बाकी के तीनों ऑप्शन है, जो समुद्र तट पर स्थित था कोटदीजी नहीं था, इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में एफ ए खान के द्वारा किया गया है 1955 ईस्वी में कोटदीजी का। आगे देखेंगे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार या धान कोठार। इसकी लंबाई 45.72 मीटर एवं चौड़ाई 22.86 मीटर थी, ये सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। आगे देखेंगे 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के अनुसार यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से जल मल के निकासी नलियों के होने का भी प्रमाण मिला है, यानी कि नली और यहाँ का सड़क बहुत ही अच्छी पद्धति में बनाई हुई थी। यह उस टाइम का जो नली और गली बनाई होती थी, जो बिल्कुल अभी वर्तमान के नगरों जैसी ही उस टाइम भी विकसित थी। आगे देखेंगे 53 नंबर, लोथल से प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष, तो लोथल से क्या मिले हैं, इसका बी सेकंड नंबर होगा, लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगा से जुते हुए खेत यानी हल्का साच, सी ऑप्शन है धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, इस तरह से इसका सही आंसर होगा बी नंबर। आगे देखेंगे 54 नंबर, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, तो इसका सही आंसर है ए नंबर, गाय का। 55 नंबर, हड़प्पा वासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे, तो यह लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सारे धातुओं से परिचित थे। आगे देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, तो यह मिला है लोथल से, ऑप्शन नंबर 1, लोथल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ बंदरगाह नगर था लोथल, यहाँ से हवन कुंड मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, और फारस की मोहर का भी प्रमाण लोथल से ही मिला है। आगे देखेंगे 57 नंबर, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो इसे पुकारते थे शिंडन के नाम से कपास को यूनान के लोग जानते थे। 58 नंबर, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशता बनी हुई थी सेलखड़ी से बनी हुई होती थी। आगे देखेंगे 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो यह आयात करते थे चांदी, टीन और सोना, ये तीनों धातुओं का आयात करते थे। अब देखेंगे चांदी कहाँ से आयात करते थे, तो चांदी ईरान और अफगानिस्तान, चांदी और टीन दोनों ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे, सोना अफगानिस्तान से आयात करते थे, और हड़प्पा वासी के लोग
तांबे और टीन को मिलाकर काशा धातु सर्वप्रथम इन्होंने ही तैयार किया था। क्या मिलाकर? तांबा और टीन को मिलाकर काशा धातु बनाया था। और तांबे का आयात राजस्थान के खेतरी से करते थे। आगे देखेंगे 60 नंबर। हड़प्पावासी लाजवर्ग या भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो यह कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदक्षा से करते थे। देखेंगे लाजवर्द होता क्या है, तो यह एक मूल्यवान नीले रंग का सुंदर पत्थर होता था जिसे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो नवरत्नों थे उनमें से एक इसे भी माना जाता था। यह क्या होता था? नीले रंग के सुंदर सा पत्थर होता था। इसका निर्माण हिंदू कुश क्षेत्र के बदक्षा से किया जाता था। आगे देखेंगे 61 नंबर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, यह कौन सा स्थल है इनमें से सभी? बी नंबर है सुरतोगोई। यहाँ से नहर होने का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? नहरों का प्रमाण सुरतोगोई से मिला है। 62 नंबर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी बंदरगाह नगर थे। आगे देखेंगे 63 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन जानवरों का इसमें अंकित था? तो इनमें से सभी था, सही आंसर होगा इनमें से सभी, सभी जानवरों का अंकन किया हुआ है यहाँ के मुहरों में मिला है। 64 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। आगे देखेंगे 65 नंबर, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो कोई इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति की प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 66 नंबर, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यह मिला है चनहुद्रो से। 67 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच में मछली दवाएं चिड़ियां एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश है? तो यह मिला है लोथल से। लोथल से प्राप्त एक वांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित किया गया है और यहां से लोथल से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे 68 नंबर, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सर्वाधिक खोज हुआ है स्वतंत्रता के बाद गुजरात में। 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तैयार नहीं की जाती थी चावल। अन्य खाद्यान्न फसलें थी जैसे कि कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल, ये सब का इन्हें ज्ञान था। और बनावली से क्या है? बनावली से सबसे अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुई है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। आगे देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है, ये विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, ओबे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल उत्खनन के दोनों सही है इसमें से, कथन ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं करता है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर। तो इस तरह से आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।